बस क्यों रही हो? बाल भी बनाने नहीं देती। अरे अब चुपचाप बैठो ना, आप दूध अंदर रख के नहा लीजिए, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अच्छा, और सुनिए मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी छोड़ दीजिए। हाँ हाँ। शांता, हाँ? स्कूल की सारी किताबें ले ली तुमने? हाँ। अच्छा, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। डब्बा कहाँ है? डब्बा मेज पे है माँ। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। आइए आइए, आज ही देखिए, देखना ना भूलिए। आइए मनस साक्षी, हर रोज तीन खेल, गंगा टाकीज में, गंगा टाकीज में हर रोज तीन खेल। आइए आइए, देखना ना भूलिए। आइए आइए, आज ही आइए, देखना ना भूलिए। आइए मनस साक्षी देखिए, आइए देखना ना भूलिए। आइए और आज ही देखिए। आइए देखना, आइए। अरे देता हूँ एक मिनट, देता हूँ। हाँ, तुमको भी एक देता हूँ, ले लो। हाँ आइए आइए, देता हूँ। आइए आइए। क्या लिखा है? लिखा है कि बड़ी अच्छी कहानी है, इसमें बहुत सारे जानवर हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, राजा है, रानी है, और तुम्हारे जैसी एक सुंदर राजकन्या भी है। तुम ये सिनेमा देखना चाहोगी? हाँ, पिताजी से पूछ लेती हूँ। पिताजी, पिताजी, आज आप मुझे सिनेमा देखने ले जाएंगे? ले जाइए ना। तुम सचमुच देखना चाहती हो बेटी? सचमुच? ये देखिए पिताजी, ठीक है, तो फिर आज शाम 5 बजे तैयार है ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। माँ, पिताजी आज मुझे सिनेमा देखने ले जाएंगे। चलो अब स्कूल जाओ, देर हो रही है। पिताजी सिनेमा? हाँ हाँ, चलो स्कूल को देर हो जाएगी शांता बेटे, चलो। पिताजी शाम को? 5 बजे। चलो, तुम तैयार है ना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं तैयार रहूंगी। हाँ। बच्ची से झूठा वादा करके अच्छा नहीं किया आपने। ये झूठा वादा नहीं है लक्ष्मी, मैं सचमुच आज उसे पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तुम मेरी किसी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं जानता हूँ आजकल मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रखता, पर मैं क्या करूं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, चलिए कुछ खा लीजिए। शांता के बारे में सोचता हूँ तो दिल जल उठता है मेरा। न गुड़िया, न खिलौने, कपड़े पे बस 2 जोड़े, ये भी कोई जिंदगी है? अब कुछ खा लीजिए ना आप। मैं तुम दोनों को छोटी से छोटी खुशी भी नहीं दे सकता, है ना? वैसे नहीं, अगर आप थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारें तो हमें सब कुछ मिल जाए। मेरा मतलब है, एक आध बार अगर आप शांता को लेकर बगीचे में चले जाएं, तो वो भी बहुत खुश हो जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, बस मेरे ऑफिस के अधिकारी अगर इतना समझते तो। हर रोज रात को देर तक काम करते ही हो, कम से कम रविवार को तो छुट्टी मिलनी चाहिए। वो तो समझते हैं कि महीने के 40 रुपए मेरे मुंह पर फेंक दिए तो मेरा निजी जीवन खरीद लिया उन्होंने, मेरी आत्मा खरीद ली उन्होंने। पर आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 5 बजे घर आऊंगा, शांता को सिनेमा जरूर ले जाऊंगा। अब ये रहा मेरा इस्तीफा। क्या, तुम्हारा इस्तीफा? हाँ, आप लोग ये समझते हो कि 40 रुपए महीना देकर आपने मेरी आत्मा खरीद ली? दिन रात आप मुझसे हर किस्म का काम करवाते हो, यहां तक कि रविवार को भी। मानो मैं आपका गुलाम हूं, मानो मेरा कोई निजी जीवन नहीं, मानो मुझ जैसे लोगों को निजी जीवन होने का कोई अधिकार नहीं। आपकी दी हुई तनख्वाह में मैं घर वालों को 2 वक्त की रोटी दे सकता हूं और कुछ नहीं, समझे? आपकी दया से ऑफिस का मेरा काम रात के 9 और 10 बजे तक चलता रहता है, इसलिए साहब ये रहा मेरा इस्तीफा। मुझे दूसरी नौकरी जरूर मिल जाएगी, पर अगर नहीं मिली तो भी यही अच्छा होगा कि मैं और मेरा परिवार सर ऊंचा रख के भूख से मर जाएं, पर 40 रुपए महीने की गुलामी करके नहीं, समझे आप? आपने कभी मेरी तनख्वाह बढ़ाने की सोची? नहीं ना, पर हर महीने खुद की कमीशन बढ़ाते जरूर है आप, हम जैसे लोगों की याद ही नहीं आती आपको। पर अब इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, इस 2 टके की नौकरी के सामने मेरे परिवार का सुख कहीं ज्यादा है, इसलिए मैनेजर साहब इस नौकरी को अपने पास ही रखिए और अगले हफ्ते देखिए। ओ हिलेश्वरा,
गंगा टाकीस में हर रोज 3 खेल, मगर आज देखना ना भूलिए मना साक्षी गंगा टाकीस में। आइए आइए देखना ना भूलिए। आइए मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह ऑफिस कितने बजे पधारे? ठीक 9 बजे साहब। कृष्णमूर्ति कहाँ है? वो बीमार है ना साहब, छुट्टी पर है। आप लोगों को छुट्टी के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए साहब। आज 5 बजे अगर हाँ हाँ 5 बजे तक कैश क्रेडिट के सारे एंट्रीज तैयार रखना, समझे? ठीक है साहब। वेंकट राव, तुम्हें सीनियर अकाउंटेंट बुला रहे हैं। अच्छा, डे बुक लेके आना। हाँ जल्दी करो, चलो चलो चलो। आज का अखबार पढ़ा क्या? नहीं नहीं पढ़ा। नहीं, अखबार खरीद ही कौन पाता है। वैसे खबर क्या है? जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, खबर है कि कुछ 300 से गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कुछ 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अच्छा, और महारानी के राज ने फ्रांस से वादा किया है कि भारत उनका पूरा साथ देगा। चलो अच्छा हुआ, अब तो वो लड़ाई जरूर। अच्छा बाद में मिलेंगे। अच्छा बहुत दिनों से पैसे वसूली का काम हम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए राव ये रिटेल वालों की लिस्ट जांच कर कितनों के पैसे बाकी है मुझे बताना। जी साहब, आपने ये डे बुक मंगवाया था? हाँ हाँ, मैनेजर साहब ने डे बुक लेकर आने को कहा है। अब सारी मिट्टी अंदर रख दो, घर जाकर पूरा कर लेना। अब सब आ ई की किताब निकालो। अब अपनी अपनी किताबों में से पहला पार्ट पढ़ो। कमिला, 5 बज गए क्या? शायद तो 6 बज गए होंगे क्या? नहीं, 6 तो नहीं हो सकते क्योंकि 6 बजे रात होती है। तो फिर 5 ही बजे है ना? हाँ, अब तो मुझे घर जाना ही चाहिए। पिताजी आगे होंगे, उन्होंने मुझे 5 बजे तैयार रहने को कहा था। क्यों? वो मुझे सिनेमा दिखाने वाले हैं, मुझे घर जाना है। मैडम मैडम, मुझे घर जाना है। क्यों शांता? 5 बज चुके हैं ना, इसलिए। तुमसे किसने कह दिया कि 5 बज चुके हैं? कमला ने कहा। नहीं मैडम, मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा, नहीं अभी 5 नहीं बजे हैं, अभी तो तुम्हें घड़ी दिखाई दे रही है दीवार पर। हाँ। अच्छा बताओ कितने बजे हैं? मैंने तुम्हें घड़ी देखना सिखाया था ना? 1, 2, 3, 9 बजे मैडम। नहीं गलत, इस समय घड़ी में कितने बजे हैं कौन बताएगा? हम बताएंगे। 2:30, 9:15। ही 2:30, नहीं 9:15। नहीं नहीं, तुम लोग सिर्फ छोटी सुई देख रही हो, बड़ी सुई भी तो देखनी चाहिए। इस समय घड़ी में 2:45 हुए हैं, समझी? अच्छा शांता, अब जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठो। मैडम मैडम, घर जाकर मुझे ठीक 5 बजे तैयार रहना है, नहीं तो पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने मुझे जल्दी घर लौटने को कहा है। जल्दी माने कब? अभी अभी। अच्छा शांता जाओ। अरे इतनी जल्दी लौट आई तुम? पिताजी आ गए, सिनेमा जाने के लिए तैयार होना है ना? हाँ हाँ, बहुत बड़ा काम करना है ना आज तुम्हें। चलो तुम्हें दूध देती हूँ, मुँह हाथ धो लो। नहीं माँ, उस सब के लिए वक्त नहीं है, पहले तैयार होना है ना। मैं एप्रन पहनूंगी। नहीं बेटे, ये कपड़ा बहुत पतला है, सुकाम हो जाएगा, शाम को ठंड हो जाती है ना, जरा मोटा कपड़ा रहे तो अच्छा रहेगा। माँ ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है, बस आज का एक दिन मुझे पहनने दो ना। नहीं बेटे, इतना अच्छा फ्रॉक सिनेमा में कोई थोड़े ही पहन के जाते हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रॉक मैंने इस्त्री करके रखा है, लो पहन लो। नहीं मैं नहीं पहनूंगी। तुमने स्टॉक, मुझे और फ्रॉक चाहिए। तुमने स्टॉक को गिराया, उठाओ उसे। नहीं उठाऊंगी। उठाते हो या नहीं उसे? मार खाओगे तुम मुझसे। पहले मुझे वो फ्रॉक दो। नहीं दूंगी, इतनी बदतमीज हो गई हो, सारे
आप किस तरह से उठा उस तके को उठा दिया नहीं शांता। अब पिताजी आकर कहेंगे कि भाई वाह हमारे गुड़िया रानी तैयार है। हाँ हाँ आएंगे तो कहेंगे। माँ तुम भी तैयार होकर हमारे साथ चलो ना। आज नहीं बेटे फिर कभी। चलो कुछ नाश्ता कर लो शाम को आने में देर हो जाएगी। नहीं मैं खाने बैठूंगी तो मेरा फ्रॉक खराब हो जाएगा। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर। शांता बेटे धूप में मत खड़े रहो अभी सिर्फ 4 बजे हैं। तुम्हारे पिताजी 5 बजे से पहले नहीं आएंगे। चलो भाई 5 बज गए चलते हैं। परसों के दिन श्रीशैलन कह रहा था कि मैनेजर साहब ने अभी तक उसकी नौकरी पक्की नहीं की। अरे मैनेजर साहब तो है ही ऐसे। क्या बात है? आज जरा जल्दी घर जाना था। हाँ। सोचा मैनेजर से मिलकर जाओ। ओ जाओ पूछो पूछ लो। साहब क्या है? मैं घर जा सकता हूं साहब? अभी तो 5-6 बजे है। तुम इतनी जल्दी घर कैसे जा सकते हो? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हम इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते। मुझे कुछ जरूरी काम है साहब। ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं हो सकता समझे? पर साहब जाओ जाओ काम पे लग जाओ। क्यों वेंकट मैनेजर को तुम्हारी हालत से कोई सहानुभूति नहीं है, है ना? सहानुभूति उसे कैसे होगी? काम के अलावा वो किसी और चीज के बारे में सोचता ही कहाँ है। चलो चलो अपने लज्जस ले ले। उस उल्लू को तो मानो ऑफिस से प्यार हो गया है। ऑफिस के खुलने से 3 घंटे पहले आता है और बंद होने के 3 घंटे बाद जाता है इतवार को भी। मुझे यकीन है घर पर इसकी बीवी इसे मारती होगी। क्यों बहन जी वेंकट राव अभी तक घर नहीं आए? नहीं अभी तक तो नहीं आए। हमारी सजी धजी गुड़िया कैसी है? अच्छा जी नमस्ते। माँ पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? पता नहीं ऑफिस में कोई जरूरी काम निकल आया होगा। वो ऑफिस वाले बहुत बुरे हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। चलो अंदर चलो अंधेरा हो रहा है। ये वाउचर लो और वो कृष्णमूर्ति के लेजर से 10-8 का फर्क ढूंढ निकालो। अब कुछ 200 वाउचर्स की जांच करनी पड़ेगी। अगर कल कर दूं तो? कल करोगे तो कैसा चलेगा अभी करना होगा। पर साहब इसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे अब तो 7 बज चुके हैं। तो क्या हुआ आलसी हो गए तुम सबके सब? जानते हो मैं कितने बजे तक काम करता हूँ इस दफ्तर में? वो वाउचर की गलती अभी ढूंढ निकालो। लड़की
resignation. If you people think that you have bought my soul, क्यों वेंकट अभी तक घर नहीं गए? शांता बेटी तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी का ऑफिस ढूंढ रही थी। ऑफिस ढूंढते ढूंढते गुम हो गई गुड़िया। घर का रास्ता भी नजर नहीं आता है ना? हाँ, आप मुझे घर ले चलेंगे? जरूर जरूर चलो। अच्छा जगन्नाथ भैया कल मीटिंग में मिलेंगे। आप वेंकट राव तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज हमारे ऑफिस के अंग्रेज अधिकारियों ने वेतन वृद्धि के बारे में चर्चा की और मैंने तुम्हारी बात चलाई और मीटिंग में यह तय किया गया कि तुम्हारी तनख्वाह में 5 रुपए की वृद्धि की जाए। सुना तुमने वेंकट राव? 5 रुपए की वृद्धि। ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुए तो ये बात तुम अपने पास ही रखना। यस सर। ये चिट्ठी क्या है? ये कुछ नहीं है साहब, मैंने छुट्टी की अर्जी लिखी थी पर अब 15 दिनों तक छुट्टी का नाम मत लेना। हाँ साहब जानता हूँ साहब, इसीलिए तो ये अर्जी वापस ले रहा हूँ। गुड, वो वाउचरों की गलती मिल गई? वाउचरों की जांच कर रहा हूँ साहब, एक आध घंटे में वो जरूर मिल जाएगी। अच्छा साहब। बैठे यूं ही सो गई, इसी सोच में कि आप किसी भी वक्त आ जाएंगे। इसने कपड़े भी बदलने नहीं दिए, कपड़े खराब हो जाएंगे इस डर से, ना खाना खाया ना लेटी। अब पता नहीं कब मैं इसे बाहर ले जा सकूंगा। मेरी तनख्वाह 5 रुपए बढ़ा दी उन्होंने। रात के शो में कितना वक्त है? हाँ रात का ही शो दिखाता हूं इसे। बेटी बेटी शांता, ए शांता, शांता उठो। छोड़िए, सुने दीजिए उसे, ऐसे ही अच्छे है वो। नहीं शांता नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम हो, श्री राम जय राम जय जय राम ओम, श्री राम जय राम जय जय राम ओम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ताना ना ताना
ta na na ta na 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 ta na na ta na 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 ta na na ta na 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 ta 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 na